वेलकम टू पूजा और ब्लॉग। बहुत जल्दी की मैं उठी थी, सब काम करने के बाद इनको जाना था, जल्दी की ऑफिस जाना था, तो इन और दीदी नहीं है तो दीदी ने राखी दिया था तो वो अद्दू ने बांध दिया है। आगे ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। अद्दू और अद्दू के पापा सबसे पहले रेडी हो गए थे, मैं नहा करके भगवान जी का पूजा कर ली हूँ तो मेरा भगवान जी हो गया है हमारे घर पे, और मैंने जो है गणपति बप्पा को राखी बांधी है, आपको दिखाती हूँ। है बहुत क्यूट से लग रहे हैं। तो जो मेरा भाई है वो नहीं आ पाया, उसको छुट्टी नहीं मिला ऑफिस से इस वजह से, और मैं मिस बहुत करी क्योंकि रक्षाबंधन के दिन बहन को भाई की और भाई को बहन की याद आती है, मिस करते हैं। और ये जो ड्रेस है वो अद्दू के लिए लिया था मैंने मीशो से, बहुत ही बढ़िया फैब्रिक है और एकदम परफेक्ट साइज़ है अद्दू के लिए, तो इसके लिए मैंने छोटी छोटी बैंगल्स भी लाई है, और बैंगल्स जो है वो भी अद्दू के एकदम परफेक्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। और अद्दू मतलब कि छीन रही है कि बैंगल्स को, मैं पूरे बेड पे इस तरीके से एक एक डाल दूँ, देखिए रो भी रही है। और इसे मैं सबसे पहले मतलब सारे बच्चे अभी सोए हैं तीनों जन, इसको मैंने नहला दिया है और फटाफट से रेडी कर रही हूँ ताकि ये अपने पापा को राखी बांध सके। इसकी बुआ ने यानी कि जो दीदी ने राखी दिया है, यहाँ पे दीदी नहीं है तो उनका जो राखी है वो अद्दू अब बांधेगी, क्योंकि श्रुति अभी सोई थी तो मैंने सोचा अद्दू उड़ गई है तो अद्दू को नहला देते हैं और फटाफट से राखी इससे बंधवा देंगे। तो यहाँ पर अद्दू हो गई है रेडी और देखिए कितना ज़्यादा वो खुश है, टीका लगा रही है अपने पापा को राखी बांधने के लिए, प्रॉपर उसने दुपट्टा वगैरह, और आप उसकी स्माइल देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है। और राखी वो नहीं बांध पा रही थी तो श्रुति उठ गई थी, तो श्रुति को मैंने बोला कि तुम बांध दो, तो दोनों जन ने मिल करके राखी बांध दिया फाइनल। अब अद्दू के पापा चले गए हैं ऑफिस और मैं वो किचन में बन रहा है छोला, तो छोले की तैयारी हो रही है और भटूरा का जो आटा है वो मैंने लगा करके रख लिया है, और आज त्यौहार है तो कुछ मीठा तो बनना चाहिए, मतलब तो मैं सेवी बनाऊंगी। और बच्चे लोग हो गए हैं रेडी क्योंकि राखी बांधने के बाद जो कि है खाना वाना खाएंगे, तो इसलिए सबको घाई पड़ाएगी, जल्दी से राखी बंधवा दो मम्मी ताकि हम नाश्ता कर सके, है ना गोलू। राखी हो गया है मतलब रक्षाबंधन राखी बांध ली है, और अद्दू जो है अद्दू क्या कर रही हो, अद्दू मेहंदी दिखाई तुम, अद्दू को रात को मैं मेहंदी लगा रही थी, ये देखिए खुद से चुरा के मिठाई खा रही है, क्या खा रही हो तुम मिठाई। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में बन रहा है खाना, तो खाने में आज बन रहा है सेवई छोला और भटूरा। भटूरे का आटा जो है वो मैंने लगा लिया है क्योंकि आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि जो भटूरा होता है उसका आटा कुछ देर पहले लगा कर रखना पड़ता है। और यहाँ पर छोला मैंने बना कर रेडी कर लिया है, सेवई थोड़ा सा मतलब समय लगेगा, और भटूरे को इस तरीके से बेल लिया है। भटूरे का कोई शेप नहीं होता है, वही मैं इस समय बोल रही थी, मतलब प्रॉपर गोल ऐसा नहीं है कि एकदम गोल होना चाहिए, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है क्योंकि वो फूलने के बाद बिल्कुल गोल ही दिखता है। और भटूरा अगर आपको बिल्कुल फुला फुला बनाना है तो तेल एकदम गरम कीजिए और उसके बाद भटूरे उसके अंदर डालिए, बहुत बढ़िया बिल्कुल फुले फुले से भटूरे बनते हैं। तो ये देखिए हमारे भटूरे तो बहुत ही बढ़िया बन रहे हैं,
तो हमारे यहाँ मतलब मैंने भटूरे को भी फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से, और अब जो है हमारा खाना बिल्कुल बनकर रेडी है, तो बच्चों को मैं पहले खिला दूंगी। सब खाना बन चुका है, चावल मैंने अभी नहीं बनाया है क्योंकि कोई भी चावल नहीं खाएगा, तो चावल बाद में बनाएंगे। और अब हमारे पेट पूजा की बारी आ गई है, तो फटाफट से खाना निकालते हैं। हमारा खाना है छोला भटूरा, बन करके रेडी हो चुका है। तो आज का जो खाना है यही खाना मैं और श्रुति अब खाएंगे, और अदु जो हमारी है वो सोई है, तो अगर सोई है तब तक शांति से जो खाना है हम खा सकते हैं। गोलू खाकर क्या कर रहा है, आराम कर रहा है, और रुद्रांश खा रहा है। रुद्रांश कैसा बना है खाना, ऐसा हाँ अच्छा लग रहा है आपको? वही देखिए, अदु हमारी सोई है और अब हम लोग भी खा लेंगे। और खाने को मैं इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब फटाफट से मैं कोशिश करूँगी कि ये वाला जो वीडियो है उसे फटाफट एडिट करूँ और अपलोड कर दूँ चैनल पे, क्योंकि आज ही रक्षाबंधन है। तो शायद अभी बज रहा है 3:30 या 5:30 बजे तक ये वीडियो चैनल पे चला जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि जो मेरी वीडियो आप सभी को कैसे लगती है, उससे मुझे मतलब वीडियो बनाने का मन करता है, और ऐसा लगता है कि जो मैं शूट कर रही हूँ, जो दिखा रही हूँ, वो आप सभी को पसंद आ रहा है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अदु बाय कर दो, बाय। अरे पूरी भटूरा नहीं छानना है, चलिए बाय।